लगातार तीन वर्षों तक शारीरिक शोषण करने के बाद शादी से इनकार करने वाले प्रेमी के खिलाफ पीड़ित प्रेमिका ने पीपीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीपीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरपर निवासी एक युवती ने पीपीगंज थाना में न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसके गांव के बगल के गांव का निवासी युवक आनंद प्रताप सिंह पुत्र जवाहर प्रताप सिंह ने विगत तीन वर्षों से जान पहचान का लाभ उठाते हुए शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा और अब शादी करने से इनकार कर रहा है। युवती ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि मेरी उस युवक से शादी करवाई जाए। पीड़ित युवती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आनंद प्रताप सिंह शादी का वादा करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और अब शादी से इनकार कर रहा है। करता हूँ और मैं कभी भी कुछ भी बन जाऊंगा, नौकरी करूंगा, मैं तुमको वहीं लेकर के रहूंगा। फिर मुझे वो जबरदस्ती 2012 में बहला फुसला करके एक कमरे में ले गया और मेरे साथ जबरदस्ती किया और यही बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है आप मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो बोलता रहा कि चलो नेक्स्ट ड्यू देता रहा मुझे शादी करने के लिए और बार बार यही कह करके बुलाता रहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जब मैं उसे कहती थी कि कब मुझसे शादी करेंगे तो वो बार बार यही बोलता था कि आने वाले टाइम में शादी कर लूंगा, आने वाले टाइम में शादी कर लूंगा। पिछली बार मेरी उससे जब बात हुई जनवरी में तो वो बोला कि मुझसे जून में मैं तुमसे शादी करूंगा। मतलब क्या वो गोरखपुर में है? जी, अपने घर पे ही हमेशा रहते हैं और अभी कल के दिन हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इसकी शिकायत हमने थानाध्यक्ष की FIR दर्ज भी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इस चीज को झूठा साबित करार दिया। क्या लग रहा है कि तो मतलब थानाध्यक्ष क्यों नहीं इंटरेस्टेड है? क्योंकि वो उन लोगों से मिले हुए हैं, क्योंकि वो लोग ठाकुर हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमला किस तरह से हुआ था? जानलेवा हमला? मेरे घर 6 लोग आए जी, मैं बाहर बैठी थी, अंधेरा था, लाइट ऑफ था, फिर मुझे पकड़ करके ले गए। पिस्टल था उन लोगों के हाथ में, मिर्चे का पाउडर था, रस्सी था, टेप था, उन सबों से मेरा मुंह बांधे, मेरा हाथ पैर बांधे और मुझे कुछ दूरी पे ले गए। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने, चूँकि एक मेन रोड था तो वहाँ पे 2-4 लोग गुजर रहे थे, वो लोग मुझे देखे कोई लड़की कहर रही है, तो जब वो लोग रुके तो वो 6 लोग मुझे छोड़ करके चले गए। अभी क्या मामला दर्ज हो गया है? जी नहीं, ये कल वाला नहीं दर्ज हुआ है, सर नहीं दर्ज कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि फर्जी है। उनको कैसे पता फर्जी है कि नहीं फर्जी है, क्योंकि वो पूरी तरह से उन लोगों से मिले हुए हैं। इससे पहले मामला आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दिया था, उसपे क्या कार्रवाई है? जी, 18 तारीख को जो हम लोगों ने FIR दर्ज किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।